हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किए हुए थे, एक्सरसाइज नंबर 18.1 केसी सिन्हा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला क्या है, बोलता है थ्री नंबर्स हुज सम इज़ 15 आर इन ए पी। तीन नंबर्स का सम 15 है और वो नंबर्स किस में है, ए पी में है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, तीन नंबर्स ए पी में है जिनका सम कितना है, 15 है। और बोलता है इफ़ 1, 4 एंड 19 बी एडेड टू देम, यदि उनके उन नंबर्स में वन, फर्स्ट में नंबर में वन, सेकेंड में फोर और थर्ड में 19 ऐड कर दें तो वो नंबर्स किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। तो हमें वो नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, गिवेन दैट सम ऑफ नंबर्स इन ए पी इज इक्वल टू 15, सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज इक्वल टू 15। जहाँ से लेट कर लेते हैं, तीन नंबर्स लेट नंबर्स थ्री नंबर्स नंबर्स इन ए पी ए माइनस डी, आप तो बोल सकते, यहाँ बोल दीजिए थ्री नंबर्स ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। अब ये तीन नंबर्स का सम कितना है, 15 है। तो यहाँ से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। डी डी विल कैंसल, तो जगह थ्री ए इज इक्वल टू 15, तो जगह यहाँ से ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया है। अब हम लोग को बोला हुआ है आल्सो गिवेन दैट, आल्सो गिवेन दैट यदि इन नंबर्स में, यदि इन गिवेन नंबर वी इफ यू एड वी एड 1, 4 एंड 19 इन गिवेन नंबर्स वी गेट जी पी, वो क्या मिल जाता है जी, जी पी मिल जाता है। तो देयर फोर कितना हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस वन, फिर हो जाएगा ए प्लस फोर, फिर जाएगा ए प्लस डी प्लस 19, ये हो जाएगा किस में, आर इन जी पी। आर इन जी पी मतलब ये जो टर्म है ए माइनस डी प्लस वन, तो यहाँ से ए माइनस डी प्लस वन, फिर ए प्लस फोर, ए प्लस डी प्लस 19, ये किस में बनेगा जी, जीपी में बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला है कि वो जीपी में फॉर्म करेगा। तो ए का वैल्यू 5, तो जगह 5 माइनस डी प्लस वन, हो जाएगा 5 प्लस फोर, हो जाएगा 5 प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी, ये जीपी बनेगा। 5 प्लस वन 6, माइनस डी हो जाएगा 9, हो जाएगा 24 प्लस डी आर इन जी पी, ये किस में बनेगा जी, जी पी में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं जी पी का प्रॉपर्टी कि यदि तीन टर्म जी पी में है, ए ए बी सी आर इन जी पी, तो होता क्या, कॉमन रेशियो सेम, तो बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर इंटू ए सी, मतलब स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ, तो लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ जी पी स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म हो जाएगा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनके प्रोडक्ट के बराबर, तो हो जाएगा 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी, तो यहाँ से हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 24 सिक्स जा 144, हो जाएगा प्लस 6 डी माइनस 24 डी, ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 144 माइनस 18 डी माइनस डी स्क्वायर। अब पूरा जो एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18, हो जाएगा प्लस 81 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखिए, लिख सकते हैं ये जगह डी स्क्वायर प्लस 18 डी माइनस 144
144 में आप 81 सब्ट्रैक्ट कर दें 63 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे तो आएगा -63, मतलब -63 को वैसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करें तो -63 और ऐड आ तो सब्ट्रैक्ट करें तो +18 आवे। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं हो जाएगा डी स्क्वायर +21D -3D। 21 में 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 18 और 21 इंटू 3 हो जाएगा -63 हो जाएगा -63D इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से D कॉमन तो जाएगा यहाँ से D +21 -3 कॉमन तो जाएगा D +21 इज इक्वल टू जीरो। तो जाएगा D +21 इंटू D -3 इज इक्वल टू जीरो। तो D का वैल्यू आ जाएगा 3 और कितना -21। यहाँ से D का दो वैल्यू आया है और दो वैल्यू आया है तो उसके अनुसार से क्या होगा, हमें नंबर्स भी कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। डी और फर्स्ट ए और डी का वैल्यू निकल गया था, आसानी से नंबर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर्स आर पहला केस में वेन डी इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो नंबर्स कितना है जी, ये है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू 5 माइनस 3 फिर हो जाएगा 5 फिर होगा 5 + 3 तो जाएगा 2 5 8। दूसरा केस में क्या होगा, जब वेन डी इज इक्वल टू -21 और ए इज इक्वल टू 5 तो जाएगा पहला कितना है ए माइनस डी तो जाएगा ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा +21, ए का वैल्यू 5 और ए प्लस डी तो ए हो जाएगा कितना, हो जाएगा ए प्लस डी तो जाएगा 5 -21। यहाँ एक यहाँ पर 5 पुट कर दें तो हो जाएगा यहाँ पर 26 5 और हो जाएगा यहाँ -16। तो यहाँ से दो नंबर्स हम लोग को मिल गए हैं, कितना कितना आया जी एक बार आंसर देख लें, 26 5 और -16 या तो फिर 5 2 5 and 8। तो देयरफॉर बोल सकते हैं नंबर्स आर हेंस नंबर्स आर कितने कितने हो गए 2 5 8 आ तो फिर 26 5 -16 ये दो नंबर्स। अब देखिए ये जो आंसर हुए हैं क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करता होगा, आंसर तभी होता है जब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो देख सकते हैं यदि ये तीनों नंबर्स का सम 15 होगा 8 और 5 13 into 15 26 - 16 10 और 5 15। और क्या बोलता था उसमें, यदि इसमें 1 ऐड करें, इसमें 4 ऐड करें, इसमें 19 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा जी, GP बनेगा। देखिए यदि इसमें ऐड कर दें 2 + 1 3 ऐड कर देंगे 9, 19 ऐड करेंगे 19 और 8 हो जाएगा 27। देखिए GP फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा जी 3। यदि इसके अनुसार से चलें इसमें 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा 27, अगर इसमें 4 ऐड कर दें 9, इसमें यदि आप 19 ऐड कर दें तो हो जाएगा 3। तो इसी का देखिए नंबर आ गया, तो ये भी किस में है, GP में है, जिसका फर्स्ट टर्म 27 एंड कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/3। मतलब तो ये हो जाएगा इसका क्या चीज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए इसको आप नोट कर लें, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, ये बोला है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन GP इज 56। अगर वहाँ पे तीन नंबर्स का सम AP में था तो दिया गया था, अगर इसमें बोलता है तीन नंबर्स जो है GP के तीन नंबर्स का सम दिया गया 56 एंड इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 and 21 फ्रॉम दिज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेंड एन AP फाइंड द नंबर। जस्ट उसी का या उल्टा क्वेश्चन है, वहाँ पे ऐड करना था तो GP बना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा जी AP बनेगा। तो सबसे पहले नंबर्स मान लेते हैं, लेट ए आर स्क्वायर आर इन जी पी आर गिवेन दैट
बोला गया था सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जी पी इज इक्वल टू 56, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तीन नंबर्स मान लिए ये जी पी में है, इनका सम दिया गया था 56, मतलब ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। यहाँ से यदि आप ए कॉमन ले लो तो जगह 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इसी में फिर क्या बोला है जी, और फिर बोला है कि यदि इसमें इन नंबर्स में हम लोग को घटा देना है, अगर कितना कितना सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है 1721, मतलब आल्सो गिवेन दैट वी सबट्रैक्ट 1721 फ्रॉम गिवेन नंबर्स वी गेट एन ए पी। यदि इसमें 1721 फर्स्ट नंबर में 1 सबट्रैक्ट कर दें, सेकेंड नंबर में 7 सबट्रैक्ट कर दें, थर्ड नंबर में 21 यदि सबट्रैक्ट कर दें, तो उससे जो नंबर्स टर्म मिलेगा वो किस में बनेगा जी, वो जी पी में आ जाएगा, सॉरी ए पी में आएगा, क्या आएगा ए पी में आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर हो जाएगा ए माइनस 1 हो जाएगा ए आर माइनस 7, फिर हो जाएगा ए आर माइनस 21, ये हो जाएगा किस में जी, आर इन ए पी। अब बताइए ए पी का प्रॉपर्टी था, हम लोग पढ़े थे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मिडिल टर्म का दो गुना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट जो था सम के बराबर, तो हो जाएगा बाय एक बाय डेफिनेशन ऑफ ए पी, तो जाएगा 2 इंटू ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू ए माइनस 1 इंटू सॉरी प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21, तो जाएगा 2 ए आर माइनस 14 इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21, तो जाएगा 2 ए आर माइनस 14 इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22। इन सभी टर्म को हम लोग यदि एक साइड कर दें, क्या करते हैं इन सभी टर्म को हम लोग एक साइड करके क्या करते हैं, वैल्यू निकाल दें, यदि हम लोग इन सभी का वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा। हाँ तो फिर देखिए क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 2 ए आर, यहाँ से माइनस 14 रहने दें, हाँ और इस माइनस 22 को लेफ्ट साइड ले आएँ तो हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू यहाँ पे है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 2 ए आर। अब देखिए यहाँ से ए कॉमन है, यहाँ एक हो जाएगा कितना 422 8, ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर। अब ये देखिए क्या एक होल स्क्वायर किसी का है, यदि इसी को लिख दें हम लोग 8 इज इक्वल टू 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 1, तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ए इंटू ये हो जाएगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन मेरा ए आया है ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56, और दूसरा ए आया है। अब क्या कर दे सिंपल, दोनों इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दे, दोनों को सॉल्व कर दें, यहाँ भी ए और आर में इक्वेशन है, यहाँ भी ए और आर में रिलेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या कर दें 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जाएगा ए इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 56 बाय 8, ये विल कैंसल 8 7 जा 56, तो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 7 इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 1, तो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर स्क्वायर प्लस 14 आर प्लस 7। और इन सभी टर्म्स को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 7 आर स्क्वायर प्लस 14 आर प्लस 7
माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हो जाएगा सिक्स आर स्क्वायर, हो जाएगा माइनस थर्टीन आर, हो जाएगा प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब सिंपल क्या कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखें, इस टू ए आर को हम लोग इधर साइड चेंज किए थे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में ना होगा, ये माइनस में होगा तो यहाँ भी होगा माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस, पूरे में माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। माइनस हम लोग का छूट गया था, चलिए यहाँ इस आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, यह वन प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा सेवन आर स्क्वायर माइनस फोर्टीन आर प्लस सेवन, दोनों टर्म को उधर ले आते हैं तो हो जाएगा सेवन आर स्क्वायर माइनस फोर्टीन आर प्लस सेवन, फिर माइनस वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा सिक्स आर स्क्वायर माइनस फिफ्टीन आर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोग को देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, यहाँ से हम लोग थ्री कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस फाइव आर, फिर हो जाएगा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से थ्री कॉमन। अब थ्री क्या कर दें, उधर हम लोग डिवाइड कर दें, यहाँ इधर नोट कर लें तो हो जाएगा कितना जी, टू आर स्क्वायर माइनस फाइव आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, किसमें, आर के टर्म में। अब क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व कर दें तो कितना होगा, टू इंटू टू फोर, फोर को वैसे दो नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करें तो फोर आवे और ऐड आ तो सबट्रैक्ट करें तो माइनस फाइव आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं कितना, टू आर स्क्वायर माइनस फोर आर, माइनस फोर आर माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में टू आर कॉमन तो हो जाएगा आर माइनस टू माइनस वन कॉमन, तो आर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा आर माइनस टू इन टू, ये हो जाएगा टू आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आर का वैल्यू टू और हो जाएगा एक वैल्यू वन बाई टू। तो आर का यहाँ से दो वैल्यू आया है, इस आर का वैल्यू या तो यहाँ किसी एक में पुट कर दें तो उससे किसका वैल्यू निकल जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ले लेते हैं फ्रॉम वन, वेन आर बराबर टू, फ्रॉम वन यहां लिख दें, पहले फ्रॉम वन वेन आर इज इक्वल टू टू, तो हो जाएगा ए इंटू वन प्लस, हो जाएगा टू प्लस टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, फोर और टू सिक्स और वन कितना सेवन, तो हो जाएगा ए इंटू सेवन इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, तो ए इज इक्वल टू एट। मतलब यहाँ से आर का वैल्यू टू होगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एट। ये दूसरा केस में लीजिएगा, वेन आर इज इक्वल टू वन बाय टू, आर का वैल्यू वन वन बाय टू लेंगे तो जाएगा ए इंटू वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, तो जगह ए इंटू एलसीएम लेंगे फोर, एलसीएम लेंगे फोर, यहाँ कितना होगा फोर प्लस टू प्लस वन, तो जगह फोर प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, ए इंटू सेवन बाय फोर इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, ये हो जाएगा एट, तो जगह ए इज इक्वल टू कितना थर्टी टू, एट फोर जा थर्टी टू। मतलब यहाँ पे दो नंबर्स हमको दो फॉर्म में मिलेंगे, या तो ये या तो ये, तो हम लेते हैं देयर फोर नंबर्स आर, नंबर्स आर, पहला आर इज इक्वल टू टू और ए इज इक्वल टू एट, एक ए का वैल्यू एट आर का वैल्यू टू लेंगे तो नंबर मेरा था ए ए आर ए आर स्क्वायर, ए ए आर ए आर स्क्वायर, तो जगह एट, एट इंटू टू, एट इंटू टू का स्क्वायर एट, सिक्सटीन हो जाएगा थर्टी टू। तो दूसरा मिले आर का वैल्यू वन बाय टू और ए का वैल्यू थर्टी टू, तो यहाँ से नंबर था ए ए आर स्क्वायर, तो जगह थर्टी टू
थर्टी टू इंटू वन बाय टू, फिर हो जाएगा थर्टी टू इंटू वन बाय फोर, तो थर्टी टू सिक्सटीन और हो जाएगा एट। तो देयरफॉर बोल सकते हैं नंबर्स आर एट सिक्सटीन थर्टी टू, या तो फिर हो जाएगा थर्टी टू सिक्सटीन एट, ये इसका हो जाएगा आंसर। हम लोग एक बार आंसर देख लें, आंसर कितना है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें एक ही आंसर दिया हुआ है एट सिक्सटीन एंड थर्टी टू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो ये आंसर दिया हुआ है सिर्फ, तो ये भी आ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लें, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 में क्या बोला है, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी, तीन नंबर्स हमें जीपी में लेना है जिसका सम दिया गया है 52। जीपी में लेना है जिनका सम दिया गया 52 एंड सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर्स, मतलब उनका आपस में जोड़ा यदि ले लिया जाए, जोड़े का प्रोडक्ट का सम वो दिया गया 624। तो हम लोग क्या लेना है, तीन नंबर जीपी में लेना है जिसका सम दिया गया 52। तो अब जीपी हम लोग कोई भी ले सकते हैं, या तो ए ए आर ए आर स्क्वायर, या तो वन ए बाय आर ए और ए आर। लेकिन सोचिए लेने में किसको फ़ायदा, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जब पेयर्स का हम लोग यदि प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहाँ से क्या होगा, कुछ टर्म कटेगा, सहूलियत होगा लेने में किसको जी, ए बाय आर ए और ए आर, ताकि वहाँ से क्या कुछ टर्म आर का टर्म क्या होगा, कुछ कटने का चांस है, इसलिए हम लोग नंबर्स लेंगे ए बाय आर ए एंड ए एंड ए आर। तो लेट कर लेते हैं नंबर्स आर क्या है, लेट कर लें थ्री नंबर्स इन जीपी, लेट थ्री नंबर्स इन जीपी ए बाय आर ए एंड ए आर। अब गिवेन दैट सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज इक्वल टू कितना दिया गया 52, हाँ 52, तो यहाँ से हो जाएगा ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 52। ये यदि कॉमन ले लें, वन बाय आर प्लस वन प्लस आर इज इक्वल टू 52। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लें इक्वेशन नंबर वन, ये पहला रिलेशन हो गया है। फिर दूसरा क्या बोलता है, आल्सो गिवेन दैट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 614 है, 624। तो हमें इन नंबर्स का पेयर में आपस में क्या कर दें, यदि मल्टीप्लाई कर दें तब उनका सम, मतलब देखिए यहाँ से बोल सकते हैं ए बाय आर इंटू ए प्लस फिर ए बाय आर इंटू ए आर प्लस ए इंटू ए आर इज इक्वल टू 624। क्योंकि आपस से मल्टीप्लाई, इसको इससे किए, इसको इससे किए, इसको इससे कर दिए, देखिए कुछ टर्म कट रहा है क्या, यहाँ से आर कट गया, तो क्या होगा जी ए स्क्वायर बाय आर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू 624। अब इन देखिए कॉमन हो गया कितना ए स्क्वायर, तो हो जाएगा वन बाय आर प्लस वन प्लस आर इज इक्वल टू 624। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को यदि सॉल्व कर दिया जाए तो मुझे किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए और आर का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में ए और आर का टर्म है, तो सॉल्व करेंगे तो ए एंड आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या कर देते हैं, सॉल्विंग वन एंड टू कर दें, टू डिवाइडेड बाय वन, तो ए स्क्वायर इंटू वन बाय आर प्लस वन बाय ए इंटू वन बाय आर प्लस वन इज इक्वल टू 624 बाय 52। ए से ए कट गया, यहाँ से यहाँ पूरा कट गया, तो ए इज इक्वल टू 624
बाय 52, क्या कोई नंबर से कटेगा? देखिए 3 से 13, 13 से कटेगा, 4 ले लेते हैं ना, 4 हो जाएगा 13, 4 आ जाएगा, 4 टू जा 4, 1 जा 4, 4 3 जा 12, इतना फिर ये कटेगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 तो होगा 2, 4 5 जा 20, 2 4 6 जा इतना, तो जा कितना जी 156, और 156 एक कितना बार में जाएगा, तो हो जाएगा कितना 13, हो जाएगा 12 टाइम्स में, तो 13 इंटू 12, तो 13 हो जाएगा 13 टेन जा 130, और 13 टू जा 126 हो गया 156, तो ए का वैल्यू कितना आ गया या 12 आ गया। अब ए का वैल्यू यार इन तीनों में से किसी एक में पुट कर, दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, यदि हम लोग लेते हैं फ्रॉम 1, ए का वैल्यू 12, 1 प्लस आर प्लस आर इतना इज इक्वल टू कितना जी 52, तो यहाँ से हो जाएगा या 12 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू 52। तो देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें, चाहे इधर नोट कर लें, तो यहाँ ये हो जाएगा कटेगा 4 टाइम से कटेगा, 4 3 जा 12 और हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू 13। अब क्या कर दें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा जी 3 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर इज इक्वल टू 13 आर, तो हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, किसमें आर के टर्म में, तो इधर नोट कर लें, तो यहाँ से ये कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 3r स्क्वायर माइनस 9r प्लस r माइनस r, इसको तो कर दें 3 3 जा 9 ना, तो माइनस 9r माइनस 9r माइनस ar प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 3r कॉमन, तो कितना हो जाएगा जी r माइनस 3, फिर हो जाएगा माइनस 1 कॉमन r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r माइनस 3 इंटू 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू कितना आ गया वा 1/3। तो r का वैल्यू, ये हम लोग का जो r का वैल्यू था ये हम लोग का फाइंड हो गया, मतलब निकल गया है, और a का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए थे कितना जी 12, ये था r का वैल्यू और a का वैल्यू आया था 12। हमें नंबर्स निकालना है, तो दो नंबर्स हम लोग मिलेंगे, दो टर्म, तो जाएगा वेन आर इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 12, तो देयर फोर नंबर्स नंबर्स आर कितना है ए बाय आर ए एंड ए आर पहला नंबर, तो कितना हो जाएगा जी ए का वैल्यू 12/3, फिर जाएगा 12 इंटू 3, तो जाएगा 4 हो जाएगा 12 36, कितना हो जाएगा 36। दूसरा केस में आ जाएगा आर का वैल्यू लीजिएगा 1/3 और ए का वैल्यू 12, तो यहाँ से हो जाएगा नंबर्स 12, फिर ए बाय आर मतलब 1/3, फिर हो जाएगा ए, फिर जाएगा ए आर मतलब हो जाएगा 12 इंटू 1/3, तो हो जाएगा वह 36 12 4, तो देयर फोर बोल सकते हैं या तो हेंस नंबर्स आर 4 12 36, या तो फिर हो जाएगा 36 ये हो जाएगा 12 4, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, कितना नंबर है जी 22 में दिया गया है, चल इसको आप नोट कर लें, और इसके साथ हम लोग का इसमें 22 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच गया इस एक्सरसाइज में, एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन, थोड़ा सा ये समझिए कि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चन सभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो टोटल ये सब पिछले जितने भी वीडियो में और जो है कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किए थे बताए थे उसी पर बेस्ड था। चलिए
इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।